नमस्कार दोस्तों, आप इस तरीके से जो पैक्ड चिकन या फिश वगैरह जो सेल करती हैं इन केस, देखिए दोस्तों, तो आपके पास इस तरीके से एक वेइंग मशीन होना चाहिए जिसमें से बारकोड वगैरह निकलती है और जो वजन इसको ऊपर रखेंगे उसके हिसाब से वो बारकोड निकलती है। तो आप एक बार देख लेना दोस्तों, देखिए मैंने इसमें बारकोड डालने के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट ये जो चिकन ऐड करना है वो मैंने पिछले वाला वीडियो में बनाया हुआ है, तो कोई डाउट है तो वो वाला वीडियो भी एक बार रेफर कर देना आपने। इसमें देखो अलग अलग बटन में अलग अलग, देखो इसमें टोमेटो लिखा है नंबर 2 में, नंबर 3 में क्या है अपना चिकन है, नंबर 4 में और कोई प्रोडक्ट है एप्पल है, नंबर 5 में आपको पाइनएप्पल है, तो चिकन आपको नंबर 3 में है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपने जो इस तरीके से पैकिंग करके अपना शेल्फ में रखता है तो आप यानी इसमें ऊपर रखिए, और ये जो देखो आपने देखो 400 and something ग्राम्स है, इसको पर केजी का 200 रुपीज़ डाला है, 97 रुपीज़ 20 पैसा आ चुका है। आपने इसको देखो मात्र प्रिंट बोल के एक बटन दबाइए तो उसका जो बार कोड आ जाएंगे आपको, देखिए ये जो बार कोड आ चुका है, ये जो बार कोड आप सीधा इसको मतलब निकाल दीजिए, ठीक है जी। ये बार कोड मैंने निकाल दिया और उसका ऊपर लगा के आप अपना शेल्फ में लगा सकता है, शेल्फ में रख सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए करके प्रॉपरली चिपकता नहीं, इसको पीछे लगाने से और ज़्यादा चिपक जाती है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने लगा करके, और ये जो है आपको कितना ग्राम से क्या है देखिएगा, ये जो चिकन ये दूसरा है इसको भी 466 ग्राम से 93 रुपीज़ आ चुका है। इसका भी आपने प्रिंट करिए, ये देखो बार कोड आ चुका है, ये भी आप इसको लगा के रखिए, ठीक है जी। ये आपने लगा के रखने के बाद आपको अगर सेल करना है तो सीधा सीधा इसको स्कैन करके सेल कर सकता है दोस्तों, और मेरा पिछले वाला वीडियो में भी एक बार देख लेना और मैंने एक बार स्कैन करके आपको दिखा देती है। फॉर एग्जांपल तो आपको फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर को ये सेल करना है तो आप सेल बटन में जा सकता है, तो यहाँ देखिए आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये जो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें जो 90 समझ लीजिए आपको 93 रुपीज़ दिख रहा है ना जी, जब भी आपने स्कैन करते वक्त वहाँ पर भी कंप्यूटर में आ जाएंगे आपको, देखिए आपको वहाँ भी आ गया ना जी 93, आप देख सकता है देखिए यहाँ पे भी आ गया ना जी 93। और समझ लीजिए ये वाला चिकन अगर स्कैन करते हैं आपने, ये आपको दिख रहा है जी दोस्तों 97 रुपीज़ दिख रहा है ना जी आपको, ये वाला देखिए, तो आप अगर इसको स्कैन कर देते हैं अपना वेइंग मशीन मतलब वेइंग मशीन से जो आया हुआ बार कोड, देखो यहाँ आपको देखो आ गया दोस्तों 97 रुपीज़ आ चुका है देखिए टोटल। तो इस तरीके से क्विकली आपको बिलिंग करने के लिए बड़ी आसान होगा दोस्तों, रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसमें इस तरीके से भी वेइंग मशीन और लाइव वेइंग मशीन दोनों कनेक्ट कर सकते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।